शेरावाली का बॉल साचे दरबार की जय। माँ भवानी जगदम्बा ग्रुप की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मेरे राजा उपाध्याय, आपको भावी जीवन के लिए और इस नवरात्रि माँ जगदम्बा की सेवा कर कर आप अपने जीवन में खुशहाली रह सकते हैं। अपने माता पिता की प्रथम सेवा करने के बाद माँ जगदम्बे की सेवा कीजिए, संपूर्ण लाभ मिलेगा। इस नवरात्रि एक संकल्प कीजिए, एक दूसरे की बुराई ना कीजिए, ना एक दूसरे की ईर्ष्या ना कीजिए, और महाराज पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स की तो कभी भी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना तेज होता है कि उनकी अगर उनके बुराई की गई और उनके उपासना को भंग किया गया तो आपकी क्रिया प्रतिरात्मक रूप से आपको दोष देने लग जाएगी, और ऊपर जो ब्रह्मांड है उसमें से आपकी जो ध्वनि है, अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हो, उस आवाज़ वापस रिपीटेशन होकर आपके जीवन में प्रस्तुत हो जाती है, और आप अगर किसी का गलत करोगे, कहते हैं ना जो जिसके लिए खड्डा खोदता है वो उसमें ही गिरता है। हमें कभी किसी की बुराई और निंदा नहीं करनी चाहिए। जो इंसान निंदा करता है, जो इंसान ईर्ष्या करता है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब रहती है। मैं आज आपको नवरात्रि का एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जो जीवन के अंदर कभी आपने किया होगा या कभी नहीं किया होगा। बस आप इतना जानिए, जब आप माता जगदम्बे को नवरात्रि के समय घट स्थापना कर दी, सब कर दिया, विधि विधान कर दिया, नैवेद्य जब धराते हो तो नैवेद्य के बाद आप एक माता जी को मुखवास का पान जरूर धराए। अगर आप पान घर में स्वतः ही बनाते तो बहुत ही उत्तम रहता है। नागरवेल के पान को लाकर उसके उल्टे साइड दो सुपारी, दो लौंग और दो इलायची रख कर उसे बांध कर माता जी के नैवेद्य में आप समर्पण कीजिए, और मन चाही इच्छा इस तरह से मांगिए, हाथ जोड़ के नहीं, इस तरह से माता जी से मांगिए, क्योंकि 9 दिन तक माँ हमारी इच्छा संपूर्ण तरीके से पूर्ण करेगी। अरे वो तो जगदम्बा माँ है, हमारी माँ हमें डांटती है, फटकारती है, तो उस माँ को भी पूरा हमारी परीक्षा लेने का अधिकार है। वह हमारी एक माँ जीवन देने वाली है तो एक जगत जननी है, तो दोनों माँओं का अधिकार पूरा है। परीक्षा होने से घबराए नहीं, क्योंकि परीक्षा का समाधान भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुख आ जाए तो दुख की कमी रह जाती है, और दुख आ जाए तो सुख की कमी रह जाती है। यह जीवन की ऐसी प्रक्रिया है कि दोनों का अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। भावी जीवन के अंदर माँ जगदम्बा की आप इस नवरात्रि को पर असीम कृपा हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, माँ ने के नैवेद्य के बाद मुखवास, और मुखवास के बाद माता जगदम्बे को क्या फल, क्या चीज़ें चढ़ानी है, मैं आपको संपूर्ण वीडियो से बताऊँगा। जय श्री महाकाल।